प्रयागराज की करते हैं, जहां पाकिस्तान से अतीक हथियार खरीदता था। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड के लिए इसको ही आधार बनाया है। ये हथियार ड्रोन से पंजाब में गिराए जाते थे। रिमांड के दौरान हथियार बरामद किए भी जा सकते हैं। तो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक को लिया गया है और अशरफ को भी रिमांड पर लिया गया है। अतीक की रिमांड में बड़ा खुलासा किया जा सकता है। 13 से 17 अप्रैल तक ये पूछताछ की जाएगी और आज ही अतीक के बेटे का एनकाउंटर भी किया गया है। तो बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो किस तरह से हथियारों की तस्करी की जाती थी, उसका भी बड़ा खुलासा किया जा सकता है। किस तरह से पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाते थे और जो बार बार ड्रोन का मामला सामना आता था, उससे ये भी लग रहा है कि ड्रोन के जरिए ही ये हथियार बॉर्डर पर गिराए जाते थे और इनकी तस्करी की जाती थी। और चलिए इस खबर पर, हमारे साथ लखनऊ से आलोक राय हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं, वाकई चौंकाने वाली बातें हैं, और जिस तरह से हथियारों की तस्करी को लेकर जिस तरह से खुलासे होने की संभावना है, पुलिस ने फिलहाल रिमांड पर लिया है, क्या कुछ जानकारी मिल सकती है, कितने खुलासे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने जो रिमांड मांगी है अतीक अहमद और अशरफ की, और उस जो कागज़ है रिमांड का, उससे एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसमें साफ साफ ये लिखा गया है, पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से ड्रोन से पाकिस्तान द्वारा जो है ड्रोन से पंजाब में जो हथियारों को गिराया जाता था, उसके बाद अतीक का एक नेटवर्क था जिसके जरिए वो उन हथियारों को खरीदता था। तो ये समझा जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 4 दशक, लगभग 40 साल से अतीक का एक साम्राज्य था, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उसके अगल बगल के कई जिलों में। तो ऐसे में उसके पास हथियार बड़ी मात्रा में थे, लेकिन जिस तरह से रिमांड में जो जानकारी पुलिस ने दी है, जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का एक नेटवर्क था, इसके लश्कर से भी संबंध है, इसके आईएसआई से भी संबंध हो सकते हैं, और पुलिस ने इसीलिए रिमांड मांगी है और 4 दिन की रिमांड जो है कोर्ट ने दी है, जो कल सुबह यानी 14 तारीख से शुरू होगी, 14 अप्रैल से, और 17 को खत्म होगी, 17 को फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इन 4 दिनों के रिमांड में पुलिस की पूरी जो है कोशिश होगी कि ये जानकारी उगलवाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, साथ ही साथ अतीक से जुड़ा हुआ मामला और उसके भाई से जुड़ा हुआ मामला है, जो उमेश पाल की हत्या हुई थी उससे जुड़ा हुआ मामला है, इसके अलावा तमाम अन्य मुकदमे हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर दर्ज हैं। 43 साल में पहली बार उसको सजा सुनाई कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला है, लेकिन जो जानकारी रिमांड पेपर से सामने आई है वो वाकई बहुत बड़ी जानकारी है, और इसीलिए जो है कोर्ट ने रिमांड दी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, भारत का पड़ोसी मुल्क, जिससे भारत के रिश्ते ठीक नहीं है, और पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहता है, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, चाहे वो आतंकवादी भेजने का मामला हो, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाना हो। लेकिन जिस तरह से अतीक का नाम इस मामले में जुड़ रहा है कि वो ड्रोन से जो हथियार पाकिस्तान भेजता था, पंजाब में गिराता था, उसको ये खरीदता था, और इसके आईएसआई से संबंध हो सकते हैं, लश्कर से हो सकते हैं, ये वाकई एक बड़ी बात है, और इसीलिए पुलिस की पूरी कोशिश होगी, जो भी टीम होगी, कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी अतीक से ली जाए, उसके भाई से ली जाए, क्योंकि 4 दिन का मौका पुलिस के पास रहेगा, और इसके बाद जो है जो जानकारी मिलेगी पुलिस, उसके बाद उसको कोर्ट में बताएगी, कोर्ट में 17 को पेश करेगी अतीक और उसके भाई को। इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उससे कितना संतुष्ट होता है, और अगर पुलिस और ज़्यादा वक्त मांगती है, क्योंकि इसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं कि पुलिस और रिमांड मांगेगी, और ज़्यादा मांगे, क्योंकि पुलिस ने आज भी रिमांड की मांगी थी ज़्यादा दिनों की, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 4 दिन की दी है, लेकिन आगे ये जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं, और इतनी बड़ी खुलासों की अगर उम्मीद है, तो वाकई 4 दिन भी मुझे लगता है कि काफ़ी कम पड़ने वाले हैं। अगर पुलिस को थोड़ा बहुत भी इसमें सुराग मिलता है, तो पुलिस आगे और भी रिमांड मांग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब इस पूरे